पटेल कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के जनसंपर्क में ग्रामीणों ने गुड्डू को कहा कि हमारा वोट सिलावट ने बेच दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तब सिलावट हमसे सिर्फ वोट लेने आते थे, जिसके बाद नहीं आते थे और कंधे पर हाथ रखने के लिए आते थे और जिसके बाद नहीं आते। ग्रामीणों ने कहा कि हमने तुलसी सिलावट को 5 वर्षों के लिए वोट दिए थे, पर उन्होंने हमारे वोट का क्या किया, ये तो पूरा प्रदेश व देश देख चुका है। एवं सावेर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का अपनी व अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क जारी है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू ने सावेर विधानसभा के कई गांव पहुंचे। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का ग्रामीण इलाकों में जोरदार स्वागत हुआ। सावेर से जीतू पटेल की रिपोर्ट। प्रत्याशी के साथ बने हुए हैं, किस तरह से ले रहे हैं अभी आप चुनाव को, आप क्या रणनीति आगे हो? देखो, ये चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है। जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और आदरणीय कमलनाथ जी की जो सरकार हमारे गरीबों की सरकार थी, किसानों की सरकार सी थी, उसको इन्होंने गिराया और मतदाता सावेर की मतदाता के साथ छलावा किया और उनको बेचा, उसका दंड तुलसी सिलावट को मिलेगा। जनता, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ भरपूर उनका एक जोश के साथ जो स्वागत देखने मिला, और कहीं बीजेपी के साथीगण आ रहे हैं स्वेच्छा से, एक प्रलोभन देके नहीं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि भाजपा में जाकर भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको उनके हाथों में सुपारी रखकर कस्में खिलाई जा रही है, मतलब उन्हें खुद गद्दारी करते हैं, खुद धोखा देते हैं, तो उन्हें भी सब धोखा नज़र आता है, इसलिए वो भयभीत है। और चुनाव तो 100% कांग्रेस जीतेगी और उनको धरातल, यहाँ की मतदाता है उनको धरातल दिखा देगी, ये आने वाले 3 नवंबर को मालूम पड़ जाएगा। 10 नवंबर के दिन जो पेटियाँ खुलेगी, जो परिणाम आएगा वो ऐतिहासिक, चौंकाने वाला परिणाम आएगा, कांग्रेस के हित में आएगा। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से काफ़ी समय बाद आप फिर आए हैं? जब मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैंने रोड बनाए थे उतना ही रोड बनाया, और 3-3, 4-4 बार माननीय सिलावट जी यहाँ पे खेती मार के गए हैं, और मैंने आश्वस्त किया है कि बीसाखेड़ी तालाब के भी उस टाइम पे घेरीकरण का काम भी मैंने करवाया था और रोड का भी करवाया था। अब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी ये बीसाखेड़ी गाँव जो हमारा है, बहुत गड्ढे में जिसको बोलते हैं हमारी गाँव की भाषा में, इसको मैं पहला सर्वप्रायोरिटी मेरी रोड बनाने की रहेगी। यहाँ पे मैं रोड बनवाऊँगा, साथ साथ गौला का भी रोड जो बीच में छोड़ दिया गया है वो भी हम ठीक करवाएंगे, उसको भी हम बनाएंगे। और ये क्षेत्र जिस तरीके से मेरे समय पे तमाम सारे तालाब खुदे, तमाम सारी ग्रिड हम लोगों ने बनाई, तमाम डेवलपमेंट के रोड से लेके स्कूलों से लेके हमने स्वास्थ्य केंद्र तक बनाए, लेकिन ये क्षेत्र वहाँ के वहाँ ही हैं, अभी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता है। उसको हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितने बड़े गांव हैं उसमें स्वास्थ्य सेंटर हम लोग बनवाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू, अच्छा, भाजपा में लगातार गणेश रूपी सुपारी हाथ में देके उनके कार्यकर्ताओं से शपथ ली करवाई जा रही है, संकल्प दिलवाया जा रहा है, तो क्या लगता है, भरोसा नहीं किया उनको, आप क्या कहेंगे? हाँ, बड़ी शर्मनाक बात है, अपने कार्यकर्ताओं से जिन पे विश्वास नहीं है आपको, आपने अविश्वास प्रकट किया, उनका अपमान किया, उनको सुपारी रख के उनपे कस्में खिलाई जा रही, मुख्यमंत्री के सामने कस्में खिलाई जा रही, ये अपने लोगों पे अविश्वास है। और जिस तरीके से कल विज्ञापन आए अखबारों में, जिस तरीके से मां नर्मदा का अपमान किया है, जो धार्मिक भावना है स्वतंत्र चुनाव के लिए, वो इलेक्शन आचार संहिता का भी उल्लंघन है। ओंकारेश्वर का घाट बताया है, मां नर्मदा के फोटो लगाए हैं, वो भी स्पष्ट आचार संहिता का उल्लंघन है, मुख्यमंत्री पे भी इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। संहिता में कोई काम होएगा नहीं, लिखावटी करी रहेगा। अभी 1.5 साल से कहाँ गया था, 1.5 साल से शिवराज का बाद में घोषणा भी में इनको नाम आएगा, हर जगह कभी भी घोषणा ये कर दूंगा ये हो जाएगा, चुनाव जितना सरकार बनी वीडियो बनाया जाएगा, सरकार भी बनी, सब कुछ हुआ, वो इधर से उधर चले भी गए, एक बार आए
उनको गीती मार के वापस आशीषन जी के तीन बार हो गई तीन बार ना अरे फूट चुका है यहाँ कभी महिला काम नहीं हुआ अभी जैसे है ना रात को हमारे यहाँ डिलीवरी थी तो एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया क्या बोला कि नहीं आएंगे उधर कीचड़ घंटे बहुत है बोले घंटे बहुत है और हम नहीं आएंगे शाम रात को कल रात को लेंगे हमने काम करा उनका हमको पता है जो आते नहीं आएगी फिर जैसे तैसे बोल के आई जैसे तैसे वो तो कही है गुड्डू भैया रोड का काम करने गया था गुड्डू भैया पूरा करेगा गुड्डू भैया ने निर्माण करा तो अरे नहीं 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 हमने तो आश्वासन में बोले हमारा जो बैठो आराम से हमारा भाई तू 35 करोड़ 50 करोड़ दे दिया था हमारा भाई फिर अरे हमने तो आश्वासन हमारा बोर्ड बेची थी बेची थी जब भी बेवकूफ लोग नहीं समझे हमने तो आश्वासन में बोर्ड देखा नहीं क्या फिर भी हमारा बेची दिया दो हजार में 25,000 यहाँ की रोड गली यहाँ की गली रोड तब भी भैया का समय पे यहाँ मिट्टी डली थी था सरपंच था यहाँ का कोई नहीं काम करेगा यहाँ कोई नहीं अरे भैया हम तो बुढ़ा भैया हमारा बच्चा उनको भी भैया उनके माला में डिसाइड किया सब वास्तु में ऐसे ही है अपना दिखा दो खाली रूलर वो फिरा के खाली उनको मालूम है अपन को आना है वहाँ पर कोई विवाद नहीं हो इस कारण उन्होंने वो पंजाब में फिर खाली दिखा हुआ काम होता है तो कोई काम नहीं है उनको सबक सिखाने वास्ते आप कांग्रेस में वोट दो।